शहर में हूँ और शहर दिखा रही हूँ आपको और शहर में बनी हुई जो मुख्तलिफ हैंडीक्राफ्ट हैं वो भी आपको दिखा रही हूँ। यहाँ मैं एक शॉप पर आई हूँ जिस पर हाथ का बना हुआ बहुत सा नाम है जाकिर हुसैन शाह और वो आपको भाई खुद बताएंगे कि उनकी शॉप का नाम क्या है और ये काम क्या क्या है कैसे है वो खुद आपको भाई बताएंगे। और अदरानी ये इनकी दुकान है ये भाई आपको खुद दिखाएंगे और बताएंगे कि इनकी शॉप पे क्या होता है। भाई एक मिनट दिखा दे पहले हमें क्या बाजी ये अपनी चीजें दिखा ये निकाल के दिखाएं ना परांदे शरांदे। अच्छा ये नाड़ा है ये हाथ का बना हुआ ये जोई का नाड़ा है। हाँ, हमारी ये जोई सिंध पाकिस्तान मशहूर चीज है माशाल्लाह। इसमें एक ये बॉस की कलर है व्हाइट कलर है। अच्छा इसमें ये इसके अलग अलग कलर फूलों वाला नाड़ा देख रहे हैं। हाँ सही ये सिंध के लोग। अच्छा और ये इसमें ये गुलाबी है और ये बाज ब्लू है सब है सारे कलर मिलेंगे जो कलर आप बाजी अच्छा हाँ अगर जब मशहूरी करनी है तो हम देना वैसे। अच्छा ये भी हाथ की बनी हुई है जो और ये मेरे दुकान का नाम है जाकिर हुसैन ये सारा हाथ का काम है ये देख रहे हैं ये सारे इसमें काफी कलर होते हैं ये माशाल्लाह ये पिंक कलर है ये ग्रीन पेस कलर है ये देखिए ये सारा हाथ का बना हुआ है मोतियों का काम है बहुत खूबसूरत काम है और वो शीशा भी दिखा दे भाई ये वही शीशे हैं देखिए इस पर इन लोगों ने कितना काम करवाया हुआ है। हाँ ये देखिए ये रेड कलर है भाई ऐसे करके दिखाए ना ये ऐसे करके इसका काम देखिए ये देखिए जिस तरह टोपियों वगैरह पे काम होता है फूल वगैरह बनते हैं ये देखिए ये शीशे सारे इनका हैंड वर्क है। मेरी तो वीडियो बनना। हाँ देखो ऐसे आ गया ये भाई कह रहे मेरी वीडियो लास्ट में बनानी है ये शीशों का काम है भाजी व्हाट्सएप करना जरूर सही है मैं आगे भी शेयर करूंगा अपना फेसबुक में इसमें सब और ये चीज भी आई है इसमें और इसमें एक ये कलर भी है सही है पीला कलर मतलब येलो और क्या भाई और ऑपरेशन जी वालेकुम अस्सलाम ये हाँ ये पहनते नहीं है गुलाब का नहीं होता ये होता है बाजी गुलाब का नहीं जो गुलाब वाला यहाँ पे नहीं चलता यहाँ पे चलता ये वाला पैसों वाले चलते हैं सही। अच्छा इसमें नए नोट वाला भी है ये 75 वाला इसमें नए नोट ये देख नया नोट ये 75 वाला ये कंच है ये मेरे अलावा मेरे दुकान के अलावा किसी के पास भी नहीं मिलेंगे मिलेंगे तो मालिक वाले मिलेंगे अशरा रियाल अरबी में बोलते हैं अशरा रियाल जी। हाँ बाबा हेलो अंग्रेज हो गया सिंधी टोपी है शीशों वाली अदब और भी दिखाओ। हाँ दिखाते थे देखिए सिंधी टोपी जिसको शौक है ये सिंधी टोपी है ये भाई की शॉप है ये देखिए ये भी टोपी है अदा और कलेक्शन है आपके पास वैरायटी और है। हाँ वो भी दिखा दे सारी शॉप है ये देखिए ये अदा इनके कंठी चौदह है ये दूल्हा वाले हार है किसी की शादी है तो भाई से ले लो ये हार है भाई ये कितने वाला हार है 5000 का भी हार है 1000 पीस की मेहनत है ये आपको पड़ेगा 6000 का। यहाँ पे दूल्हा को ऐसे ही हार डाले जाते हैं फूलों वाले नहीं होते ये वाले होते हैं पैसों वाले भाई ये तो सारे 50-50 लगे हैं। यहाँ मैं कपड़ों की शॉप पर आई और मैंने चंद सूट लिए वो मैं लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगी जो जो मैंने शॉपिंग की ये उनकी शॉप है। यहाँ पे कपड़े बड़े अच्छे मिल रहे थे ये इस भाई की शॉप है भाई हमसे गपशप में लगे हुए हैं टोपी का पूछ रहे हैं कि कितने की लिए है कैसे लिए है फिर पहन कर देखते हैं।
ये पत्थर 600 शादी मुबारक हाँ ये शादी वाले पंखे हैं। ये भी सारा हाथ का काम है, हाथ से बना हुआ। ये जूही शहर का मंजर है शाम का, ये देखें, ये सामने एक मस्जिद है, इधर से अजान होती है। घर के सामने मस्जिद है, जूही शहर में हम ठहरे हैं। ये शाम का मंजर है, देख ले, आज की शाम तो ठंडी ठंडी है। डूबता सूरज भी आप लोग नहीं देख सकोगे, ना मैं देख रही हूँ, क्योंकि सूरज कहीं बादलों में गायब हो गया है। ये शाम है जूही शहर की। दिन को मैंने आप लोगों से शेयर की थी बाज़ार की थोड़ी सी वीडियो, उधर बाज़ार गई थी जूही शहर में। वैसे यहाँ एक बात बता दूँ, यहाँ के लोग सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलनसार, बहुत खुश अखलाक लोग हैं। छोटा सा शहर है लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं। ये मैं छत पर खड़ी हुई हूँ, ये शाम का मंजर है, मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लूँ। ये देखें, ये शाम है। शाम तो हर जगह एक जैसी होती है, बस रवैयों का, बातों का फ़र्क होता है। तो ये शाम मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। ये छोटा सा घर है लेकिन यहाँ पर बहुत मोहब्बत हैं। यहाँ मेरी सिस्टर रहती है, मैं उनके घर आई हुई हूँ, मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूँ। सामने देखें, पीपल्स पार्टी का झंडा लगा हुआ है, तीर का निशान बना हुआ है। यहाँ पर अक्सरियत लोग पीपल्स पार्टी की है, इलेक्शन होने वाले हैं, बड़ा जोर शोर इलेक्शन का। ये पीपी का झंडा है, अभी भी बाहर कोई जलसा हो रहा है, आवाज़ आ रही है। मैं तो बाहर नहीं जाती लेकिन यहाँ पे आवाज़ आ रही है। ये मेरा छोटा सा व्लॉग है, आज जो ही शहर का विजिट में करने गई थी, मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं विजिट के लिए मतलब निकली, थोड़ा सा क्लिप मैंने वहाँ शहर का बनाया था। ये मैं घर में हूँ इस वक्त। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे फॉलोअर कम रह गए, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा चैनल ग्रो करेगा और मेरी मेहनत रंग लाएगी। मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, इस वजह से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई करें। और ये शाम का मंजर आपको दिखा रही थी, मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करूँगी, और मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए। कहीं पर अगर कोई झोल है, कोई गलती है तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, ताकि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ। आप लोगों की रिस्पेक्ट का, दुआओं का बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये जूही की शाम है, पता नहीं यहाँ मैं कब तक मुसाफिर हूँ, कल शायद यहाँ से चली जाऊँ। आप लोगों की मेहमान नवाजी का, यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी का, यहाँ के लोगों की रिस्पेक्ट का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं, मैं जितनी तारीफ करूँ कम है। अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद रहे, सलामत रहे। ये मैंने शॉपिंग की यहाँ जूही से, ये देखिए चादर कितनी प्यारी है, ये यहाँ से मैंने चादर ली है। अपनी शॉपिंग आप लोगों को दिखा रही हूँ जो मैंने कल की है। मुझे यहाँ पे लड़की भी हो गई है, नसला है सारा। ये सूट लिया है इधर से, ये सब पट्टा है, ये कमीज है, ये भी मैंने यहाँ से शॉपिंग की है। ये सूट लिया है मैंने यहाँ से, शॉपिंग ले रही है, सूट भी ले रही है। ये मैंने इधर से शॉपिंग की है, कैसी लगी आप लोगों को? कितने प्यारे कलर हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये इसकी चादर है, ये देखिए चादर कितनी खूबसूरत लग रही है।